अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 14.1 यानी थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट शुरू करने से पहले आपको एक बार क्वेश्चन लर्न करवा दें। क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा, कंस्ट्रक्ट दी फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल, यानी क्वेश्चन इन्होंने ये दिया निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। तो देखिए थर्ड पार्ट में इन्होंने क्या दिया, पैरेललोग्राम MORE, यानी इन्होंने क्वेश्चन ये दिया समांतर चतुर्भुज MOR जिसमें OR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, RE इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, EO इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रफली पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो चलिए सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए एक हम रफली पैरेललोग्राम बना रहे हैं यहाँ पे, इसका नाम देना है MORE। तो यहां पे हम देंगे M, यहां पे देंगे O और यहां पे लिखेंगे R और यहां पे लिखेंगे हम E। अब बात करेंगे इसकी वैल्यू की। तो यहाँ पे देखिए OR मिला यानी 6 सेंटीमीटर। तो ये मिला हमारा OR, यहाँ पे लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। अब मिला RE यानी 4.5 सेंटीमीटर। तो ये मिला हमारा RE, यहाँ लिख देंगे 4.5 सेंटीमीटर। अब ये मिला हमारा EO यानी 7.5 सेंटीमीटर। तो ये मिला हमारा EO, तो ये मिला हमारा EO, यानी एक डायगोनल बनेगा ऐसे, कितना मिला 7.5 सेंटीमीटर। तो आपको पता होना चाहिए पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड होते हैं क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए 4.5 सेंटीमीटर है राइट वाला साइड, तो लेफ्ट वाला साइड भी क्या होगा 4.5 सेंटीमीटर ही होगा। यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब ओ आर हमारा 6 सेंटीमीटर है, एम ई हमारा कितना होगा 6 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ओनली किस में, पैरेललोग्राम में। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, कंपास और रूलर की हेल्प से पैरेललोग्राम रचना करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे रूलर को रखेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर का। तो हम क्या करेंगे, 0 से लेंगे 6 सेंटीमीटर तक। तो देखिए ये मिला हमारा 0 और ये मिला हमारा 6 सेंटीमीटर। इसका नाम क्या देना है, ओ आर, यहाँ पे लिखेंगे हम ओ और यहाँ लिखेंगे हम आर। कितना सेंटीमीटर मिला, 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, O को केंद्र मानकर यानी O पॉइंट पे कंपास के नीडल को रखकर 7.5 सेंटीमीटर का एक आर ऐसे देंगे। तो यहाँ पे कंपास के नीडल को रखिए और यहाँ पे मेजरमेंट कीजिए कंपास से 7.5 सेंटीमीटर। तो देखिए 0 से 7.5 सेंटीमीटर मिला। अब हम क्या करेंगे, O पॉइंट पे कंपास के नीडल को रखेंगे ऐसे और एक आर ऐसे देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, R पॉइंट पे कंपास के नीडल को रखेंगे और 4.5 सेंटीमीटर का एक आर ऐसे देंगे। तो यहाँ पे रूलर को रखिए और 0 से 4.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट कीजिए। देखिए ये मिला हमारा 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रखेंगे कंपास के नीडल को रखेंगे R पॉइंट पे और एक आर ऐसे देंगे। इस पॉइंट का क्या नाम देना है, ई पॉइंट देना है। तो यहाँ पे लिख देंगे ई। अब हम क्या करेंगे, ओ ई आर ई लाइन को क्या करेंगे, मिला देंगे ऐसे ऐसे हम मिला देंगे। जैसा कि मैं बता दूं ये क्वेश्चन आसान है। यहां पे ध्यान दीजिए आर ई कितना मिला, 4.5 सेंटीमीटर। तो यहां पे लिख दीजिए 4.5 सेंटीमीटर। OE ये कितना मिला, 7.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख सकते हैं 7.5 सेंटीमीटर। ध्यान रहे चैप्टर चल रहा है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, अगर बात करें हिंदी में प्रायोगिक ज्यामिति चल रही है। अब हम क्या करेंगे, E पॉइंट पे कंपास के नीडल को रखेंगे और 6 सेंटीमीटर का एक आर ऐसे देंगे। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, हम क्या करेंगे, E पॉइंट पे कंपास के नीडल को रखेंगे और 6 सेंटीमीटर का एक आर ऐसे देंगे। तो यहाँ पे रूलर को रखिए और 0 से 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट कीजिए ऐसे।
तो हम क्या करेंगे, ई पॉइंट पे कंपास के नीडल को रखेंगे ऐसे और एक आर्क ऐसे देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ओ पॉइंट पे कंपास के नीडल को रखेंगे और 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क ऐसे देंगे। जैसा कि मैंने बताया, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड जो होते हैं इक्वल होते हैं। जैसा कि यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये वाला हमारा साइड भी क्या होगा, 6 सेंटीमीटर का ही होगा। अगर ये वाला साइड हमारा राइट वाला साइड 4.5 सेंटीमीटर का है, तो लेफ्ट साइड भी हमारा 4.5 सेंटीमीटर का ही होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे रूलर को रखेंगे और कंपास की हेल्प से 4.5 सेंटीमीटर का एक मेजरमेंट करेंगे। देखिए ये मिला हमारा 4.5 सेंटीमीटर। ओ पॉइंट पे कंपास के नीडल को रखेंगे और एक आर्क ऐसे देंगे। जहां ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट हुए हैं, इस पॉइंट का क्या नाम देना है, एम, यहां पे लिख देंगे हम एम। अब हम क्या करेंगे, लाइन हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। यहां पे ओ एम की लाइन मिलाएंगे और यहां पे एम ई की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो चलिए रूलर की हेल्प से हम क्या करेंगे, लाइन को ड्रॉ करते हैं ऐसे। जैसा कि मैंने कहा, ये क्वेश्चन आसान है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, राइट वाला साइड हमारा 4.5 सेंटीमीटर है, तो लेफ्ट वाला साइड भी हमारा कितना होगा, 4.5 सेंटीमीटर ही होगा। अगर ये वाला साइड 6 सेंटीमीटर है, तो ये वाला साइड भी हमारा 6 सेंटीमीटर ही होगा। ओनली ये पैरेललोग्राम में ही होता है। अब हम बात करेंगे स्टेप की। तो चलिए स्टेप भी आपको लिखवा देते हैं, क्योंकि हमने पहले से लिख कर रखा है ताकि आपको ज्यादा समय न देना पड़े। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा गिवन, ये आपके बुक में दिया गया है, लिख लीजिएगा। यहाँ से लिखेंगे टू कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम एम ओ आर ई, यानी हिंदी मीडियम लिखेंगे रचना समांतर चतुर्भुज एम ओ आर ई। यहाँ लिखेंगे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी हिंदी मीडियम लिखेंगे रचना के चरण। ए पॉइंट में लिखेंगे ड्रा ओ आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, हिंदी मीडियम लिखेंगे ओ आर बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाया। जैसा कि मैं आपको फिगर के माध्यम से बता देते हैं, एक लाइन हमने ड्रॉ किया ओ आर की 6 सेंटीमीटर। चलिए आगे हम स्टेप लिखवा देते हैं, आपको अपनी मर्जी से भी बना के लिख सकते हैं। बी पॉइंट में लिखेंगे ड्रा आर्क ऑफ रेडियस 7.5 सेंटीमीटर एंड रेडियस 4.5 सेंटीमीटर टेकिंग ओ एंड आर एज सेंटर रेस्पेक्टिवली विच इंटरसेक्ट एट ई, हिंदी मीडियम लिखेंगे ओ को केंद्र मानकर त्रिज्या 7.5 सेंटीमीटर का एक चाप बनाया तथा आर को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर का एक अन्य चाप बनाया जो पहले चाप को बिंदु ई पर काटती है। तो चलिए जैसा कि फिगर के माध्यम से हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे देखिए ओ पॉइंट पे हमने कंपास के नीडल को रखा और 7.5 सेंटीमीटर का एक आर ऐसे दिया। फिर उसके बाद आर पॉइंट पे कंपास के नीडल को रखा और 4.5 सेंटीमीटर का एक आर ऐसे दिया। चलिए आगे हम स्टेप लिखवाते हैं, यहाँ पे देखिए सी पॉइंट में लिखेंगे ज्वाइन ओ ई एंड आर ई। उसके बाद हमने क्या किया, ओ ई और आर ई की लाइन हमने क्या किया, इंटरसेक्ट किया यानी मिलाया यानी ज्वाइन किया। चलिए अगला स्टेप लिखवा दें, डी पॉइंट में लिखेंगे ड्रा एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर रेडियस टेकिंग ई एस सेंटर, हिंदी मीडियम लिखेंगे ई को केंद्र मानकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर का एक चाप बनाया यानी ई को केंद्र मानकर, ई पॉइंट को हमने मानकर यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का एक आर्क ऐसे दिया। उसके बाद अगला स्टेप लिखते हैं, ई पॉइंट में लिखेंगे ड्रा एनदर आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर रेडियस टेकिंग ओ आई सेंटर विच इंटरसेक्ट एट एम, हिंदी मीडियम लिखेंगे ओ को केंद्र मानकर त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर का एक अन्य चाप बनाया जो पहले चाप को बिंदु एम पर काटता है। जैसा कि मैं बता दूं, यहाँ पे फिगर के माध्यम से
ओ पॉइंट पे कंपास के नीडल को रखा और 4.5 सेंटीमीटर का एक आर ऐसे दिया, जैसा कि हमने ई पॉइंट पे कंपास के नीडल को रखकर 6 सेंटीमीटर का एक आर्क दिया। ये दोनों आर्क क्या हुए, एक साथ इंटरसेक्ट हुए। अगले पॉइंट में लिखेंगे हम एफ पॉइंट में ज्वाइन ओ एम एंड ई एम, इट इज रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम एम ओ आर ई, यानी हिंदी मीडियम लिखेंगे ओ एम और ई एम को मिलाया, एम ओ आर ई आवेश समांतर चतुर्भुज है। जैसा कि बता दूं, यहाँ पे ध्यान दीजिए ओ एम और ई एम को हमने क्या किया, इस लाइन से मिला दिया और इस प्रकार ये पैरेललोग्राम क्या है, आविष्ट है। इस प्रकार ये पैरेललोग्राम रिक्वायर्ड हुआ। तो ये स्टेप आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब हम बात करेंगे इसके फोर्थ पार्ट की, तो चलिए फोर्थ पार्ट भी सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। बात करेंगे फोर्थ पार्ट की, तो देखिए फोर्थ पार्ट में इन्होंने क्या दिया, रोम्बस बी ई एस टी, बात करें हिंदी में समचतुर्भुज बी ई एस टी, जिसमें बी ई का वैल्यू मिला 4.5 सेंटीमीटर, ई टी की वैल्यू मिला 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रफली आपको रोम्बस बना के हम दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे ई टी यानी 6 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, रफली बता रहे हैं, जिसका नाम देंगे ई टी। यहाँ पे लिखते हैं ई और यहाँ पे लिखेंगे हम टी, कितने सेंटीमीटर मिला, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या दिया, बी ई, तो यहाँ पे देखिए बी कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो ये लाइन हमारा ऐसे आएगा ऐसे, और यहाँ पे लिखेंगे बी, ये कितने सेंटीमीटर मिला, 4.5 सेंटीमीटर। देखिए बी ई ये मिला हमारा 4.5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देते हैं 4.5 सेंटीमीटर। अब इस पॉइंट का हम नाम क्या देंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए एस देंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं एस, और इस लाइन को हम क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे। ये हमारा रोम्बस तैयार हो गया। ध्यान रहे रोम्बस में जो चारों साइड हो गए ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कितना होंगे, 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देते हैं 4.5 सेंटीमीटर, ये भी हमारा 4.5 सेंटीमीटर ही होगा और ये भी हमारा 4.5 सेंटीमीटर ही होगा। ये रफली हमारा रोम्बस तैयार हो गया। तो अब चलिए आप लोग रूलर और कंपास उठाइए ताकि हम रोम्बस की रचना कर सके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे टी ई की, कितने सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रूलर को रखिए और 6 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कीजिए। तो देखिए जीरो से लीजिए ऐसे, और ये मिला हमारा 6 सेंटीमीटर। इसका नाम क्या देना है, टी ई, यहाँ पे लिख देते हैं हम टी और यहाँ पे लिखते हैं ई, कितने सेंटीमीटर मिला, 6 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, ई पॉइंट पे कंपास के नीडल को रखेंगे और 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क ऐसे देंगे, फिर ऐसे ही सेम नीचे देंगे। तो चलिए पहले एक हम मेजरमेंट करते हैं 4.5 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पे कंपास के नीडल को रखेंगे और जीरो से ये मिला हमारा 4.5 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, कंपास के नीडल को ई पॉइंट पे रखेंगे और एक आर्क ऐसे देंगे, सेम ऐसे ही, न ओपन करना है और न ही क्लोज करना है कंपास को। टी पॉइंट पे कंपास के नीडल को रखेंगे और 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क ऐसे देंगे, फिर ऐसे ही एक आर्क नीचे देंगे, फिर उसके बाद ई पॉइंट पे कंपास के नीडल को रखेंगे और एक आर्क ऐसे देंगे। जहां ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट हो रहे हैं हम क्या करेंगे, रूलर की हेल्प से मिलाएंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। इस पॉइंट का क्या नाम देना है, एस, यहां पे लिख देते हैं एस, और इस पॉइंट का क्या नाम देना है, लिख देते हैं यहां पे बी है, यहां पे लिख देंगे बी। बाकी हम क्या करेंगे, इस लाइन को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो चलिए रूलर की हेल्प से हम क्या करेंगे, मिलाएंगे इस लाइन को ऐसे।
जैसा कि मैं बता दूं, ये क्वेश्चन आसान है। ध्यान रहे, चैप्टर चल रहा है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। यहां पे ध्यान दीजिए, बीई कितना मिला, 4.5 सेंटीमीटर। तो ये मिला हमारा बीई, यहां लिख देते हैं 4.5 सेंटीमीटर। बाकी ये जो साइड है ये भी हमारा कितने का ही होगा, 4.5 सेंटीमीटर का, यहां लिख देते हैं 4.5 सेंटीमीटर। ये भी हमारा कितना होगा, 4.5 सेंटीमीटर, और ये भी कितना होगा, 4.5 सेंटीमीटर ही होगा। इस प्रकार ये रोम्बस हमारा क्या हुआ, रिक्वायर्ड हुआ। तो चलिए हम इसका स्टेप भी आपको लिखवा दें। यहाँ लिखेंगे गिवेन बीई इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ईटी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये आपके बुक में दिया गया है। आगे लिखेंगे टू कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस बीई एस टी, हिंदी मीडियम लिखेंगे रचना समचतुर्भुज बीई एस टी। उसके बाद लिखेंगे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, हिंदी मीडियम लिखेंगे रचना के चरण। ई पॉइंट में लिखेंगे ड्रा टीई इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड बाइसेक्ट इट इंटू टू इक्वल पार्ट्स, हिंदी मीडियम लिखेंगे टीई बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड बनाया। जैसा कि आपको फिगर के माध्यम से हम बता देते हैं, एक हमने रेखा खींचा यानी एक लाइन हमने ड्रॉ किया जिसका नाम दिया टीई, और इसका मेजरमेंट मिला 6 सेंटीमीटर, ये आपके बुक में दिया गया है। बी पॉइंट में लिखेंगे हम ड्रा अप एंड डाउन परपेंडिकुलर टू टीई, हिंदी मीडियम लिखेंगे टीई को समद्विबाहित करते हुए एक रेखा बनाई। जैसा कि हमने बताया, यहाँ पे फिगर के माध्यम से बता रहे हैं, टीई को हमने समद्विबाहित किया यानी बाटा इसको अलग अलग लाइन में, और एक रेखा हमने क्या किया, ड्रॉ किया। सी पॉइंट में लिखेंगे ड्रा टू आर्क्स और 4.5 सेंटीमीटर टैकिंग ई एंड टी एस सेंटर विच इंटरसेक्ट एट एस, हिंदी मीडियम लिखेंगे ई को केंद्र मानकर त्रिज्या बनाया जो पहले चाप को बिंदु एस पर काटता है। जैसा कि हम बता देते हैं फिगर के माध्यम से, यहाँ पे देखिए ई पॉइंट पे कंपास के नीडल को रखा और 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क ऐसे दिया, फिर टी पॉइंट पे कंपास के नीडल को रखा और 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क ऐसे दिया, सेम ऐसे ही एक आर्क नीचे दिया यानी 4.5 सेंटीमीटर का। उसके बाद ई पॉइंट पे कंपास के नीडल को रखा, फिर 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क ऐसे दिया। अब हम बात करेंगे डी पार्ट की। तो देखिये डी पार्ट में आपको क्या लिखना है, अगेन ड्रा टू आर्क्स ऑफ 4.5 सेंटीमीटर टेकिंग ई एच टी एस सेंटर विच इंटरसेक्ट एट बी, हिंदी मीडियम लिखेंगे ई को केंद्र मानकर त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर यानी 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप बनाया तथा टी को केंद्र मानकर त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर का एक अन्य चाप बनाया जो पहले चाप को बिंदु बी पर काटता है। जैसा कि अभी हमने बताया फिगर के माध्यम से, एक बार और बता देते हैं, ई पॉइंट पे कंपास को नीडल को रखा, 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क दिया ऊपर के साइड में, फिर टी पॉइंट पे कंपास के नीडल को रखा, ऊपर के साइड में एक आर्क ऐसे दिया यानी 4.5 सेंटीमीटर का, फिर उसके बाद टी पॉइंट पे कंपास के नीडल को रखा और नीचे की साइड में यानी बी पॉइंट पे 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क दिया, उसके बाद ई पॉइंट पे फिर कंपास के नीडल को रखा और बी पॉइंट पे 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क दिया। उसके बाद ई पॉइंट में हम लिखेंगे ज्वाइन टी एस ई एस बी टी एंड ई बी, हिंदी मीडियम लिखेंगे टी एस ई एस बी टी और ई बी को हमने क्या किया, मिलाया। उसके बाद लिखेंगे इट इज द रिक्वायर्ड रोम्बस बीई एस टी, हिंदी मीडियम लिखेंगे बीई एस टी अभीष्ट समचतुर्भुज है। जैसा कि हम बता दें, यहाँ पे ध्यान दीजिए फिगर के माध्यम से बताते हैं, बीई ई एस एस टी और टी बी को हमने क्या किया, एक लाइन में हमने क्या किया, मिला दिया। इस प्रकार ये हमारा रोम्बस क्या हुआ, वेरीफाई हुआ। ये स्टेप आप लोग लिख लीजिएगा।
अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 14.2 की। तो 14.2 आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए, दैट्स इट।